मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। गुजरात और हिमाचल में विधानसभा चुनाव के बाद दोनों ही राज्यों में कमल खिला है और बीजेपी की सत्ता वाले राज्यों में जहां गुजरात अभी भी बरकरार है तो वहीं कांग्रेस के हाथ से हिमाचल फिसल चुका है। लेकिन अब बीजेपी के सामने चिंतन मनन की स्थिति बरकरार है। हिमाचल में बीजेपी जीती लेकिन बीजेपी की ओर से सीएम पद के उम्मीदवार हार गए और उनके हारने के बाद जहां कांग्रेस ने जमकर बीजेपी को घेरा तो पार्टी खुद सवाल पार्टी के ऊपर उठ रहे हैं कि आखिर क्या कारण रहा, क्यों जो है धूमल हारे हैं, क्यों पार्टी के जीतने के बाद भी पार्टी की ओर से सीएम पद के उम्मीदवार हारते हैं, क्या उसके पीछे भीतरखाने की कहें जो गुटबाजी है वो कारण हो सकता है, क्या भीतरघात उसका कारण हो सकता है, सीट बदलवाने के पीछे क्या कारण रहे, सवालों के जवाब लेंगे इस रिपोर्ट के बाद। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावों में बीजेपी की नैया पार तो लग गई, लेकिन दोनों सूबों में सीएम कौन होगा अब माथापच्ची इसी को लेकर है। अब पार्टी के सामने अगली चुनौती है जीते गए सूबे के सूबेदार को तय करने की। जितनी मेहनत बीजेपी ने दोनों राज्यों में जीत हासिल करने के लिए की है उतनी ही अब उसे मुख्यमंत्री चुनने के लिए करनी होगी। अगले कई दिन अब इसी पर माथापच्ची की जाएगी कि दोनों राज्यों में वो कौन सा चेहरा हो जो जीते हुए विधायकों का भरोसा तो हासिल करे ही साथ ही में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के हाथ मजबूत करे। बीजेपी ने चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी हिमाचल में प्रेम कुमार धूमल को तो दी थी, तो वहीं गुजरात की अगर बात की जाए तो सेनापति थे सीएम विजय रूपाणी। नतीजे तो बीजेपी के हक में आ गए लेकिन दोनों ही सेनापतियों को अजीबो गरीब विडम्बना से गुजरना पड़ रहा है। जहां धूमल हमीरपुर की सुजानपुर सीट पर धूल चाट गए तो वहीं रूपाणी का रिपोर्ट कार्ड उम्मीद से कमजोर है, लेकिन उनके नाम पर हम कोई सवाल नहीं खड़ा करेंगे। लेकिन अब बात है प्रदेश की जनता की, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अब कौन बनेगा मुख्यमंत्री, क्या जयराम ठाकुर को मिलेगी कमान या फिर आरएसएस के अजय जामवाल पर लगेगी मोहर। मोदी के फेवरेट जेपी नड्डा भी बन सकते हैं सीएम। हिमाचल के सीएम पद पर किसे देखना चाहेगी जनता? चुनावी नतीजों के बाद ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों की राय जानने की कोशिश की गई और एक सर्वे करते हुए ये पता लगाया गया कि इस वक्त हिमाचल की जनता पूरी तरह से विकास के साथ है और सीएम के तौर पर उनका पसंदीदा चेहरा बने हैं जयराम ठाकुर। खबरें अभी तक के सर्वे में ये साफ हो गया है कि जयराम ठाकुर 45%, जेपी नड्डा 20%, अजय जम्वाल प्रेम कुमार धूमल 25%, जबकि बीजेपी द्वारा सीएम पद के लिए उतारे गए प्रत्याशी और दो बार हिमाचल के सीएम रहे प्रेम कुमार धूमल को लगभग नकारते हुए सिर्फ 25% लोगों ने ही पसंद किया है। बहरहाल अब देखना ये होगा आला कमान किसे सूबे की कमान सौंपती है और क्या वाकई पार्टी का चुना गया नेता प्रदेश में विकास कराने में कामयाब होता है या नहीं। स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक। अब सवाल यही है कि सत्ता आप जीत चुके हैं लेकिन जो सीएम पद के उम्मीदवार आपने घोषित किए थे, खुद पार्टी अध्यक्ष ने मंच से जिसकी घोषणा की कि धूमल की अगुवाई में पार्टी चुनाव लड़ेगी, उसका फायदा भी बीजेपी को हुआ क्योंकि देरी के बाद इस बात की घोषणा की गई थी। ये बातें भी की गई कि मोदी बनाम वीरभद्र सिंह चुनाव लड़ने की कोशिशें बहुत शुरुआत में पार्टी में की गई लेकिन स्थानीय नेता और बड़ा चेहरा जो कि स्वीकार्य हो जनता के बीच उसके कहीं असर पार्टी तक पहुंचते हैं, उसकी भनक पार्टी तक पहुंचती है कि जरूरी है कि स्थानीय नेता को स्थानीय नेता के सामने लाया जाए, यानी कि वीरभद्र सिंह के सामने धूमल का होना जरूरी है। वो आते हैं, उनका नाम घोषित किया जाता है, उनकी अगुवाई में चुनाव भी लड़ लिया जाता है, लेकिन सीट क्यों बदली गई, क्या सीट बदले जाने का ये नुकसान था, क्या किसी साजिश का धूमल कहें कि शिकार हुए हैं और क्या पार्टी की रणनीति का वो हिस्सा उनकी हार बनी है कि पार्टी जीत गई है लेकिन आप हार गए हैं, उनके हारने के बाद पार्टी किसको आगे लेकर आएगी, क्या उपचुनाव करवाए जाएंगे या फिर जयराम ठाकुर का, हालांकि हम भी नाम लगातार आपको बता रहे हैं, खबरें अभी तक ने सर्वे भी किया जनता के बीच में जाकर कि ज्यादा से ज्यादा जो पब्लिक है जो जनता है वो किसे चाहती है कि हिमाचल की कमान सौंपी जाए, तो उसमें भी जयराम ठाकुर का नाम निकल कर सामने आया। वो कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, वो राज्य की पार्टी की कमान संभाल चुके हैं और साथ ही अब की बार भी उनके विधायक बनने बाद यह स्थिति साफ होती नजर आई कि पार्टी उनमें विश्वास जाहिर कर सकती है।
हालांकि पार्टी अध्यक्ष बैठक कर रहे हैं राजधानी दिल्ली में, ये बैठक जारी है। किसके नाम पर मुहर लगती है, किसको पार्टी चुनती है, ये इंतजार का विषय जरूर है, लेकिन सीएम कौन होगा, ये सवाल लगातार बरकरार है कि पार्टी जीत चुकी है, अब जनता को कहें कि इंतजार है कि सीएम पद का जो सीएम की कुर्सी जो खाली है उसको भरने की अब बारी आ चुकी है, क्योंकि बहुमत जो है पार्टी को मिला है, उसके बाद किसको पार्टी आगे लेकर आती है वो इंतजार है। और साथ ही इन सवालों के जवाब लेंगे कि अगर धूमल हारे हैं तो उसके पीछे कारण है, क्यों सेफ सीट से अपने सीएम पद के उम्मीदवार को पार्टी ने नहीं लड़वाया, क्योंकि जेपी नड्डा के नाम की बात कर लें, शांता कुमार के नाम की हम बात कर लें और धूमल की हम बात कर लें, ये सीएम पद की दौड़ में शामिल रहे, सीएम कुर्सी तक की दौड़ में ये लोग शामिल रहे, और एक समय के बाद या कहें कि एक लंबे इंतजार के बाद, जबकि कांग्रेस ने भी सवाल खड़े किए कि बिना दूल्हे की बारात है बीजेपी पार्टी इस चुनाव में, उसके बाद धूमल का नाम घोषित किया जाता है, क्या पार्टी की किसी तरह की रणनीति थी, क्या पार्टी की किसी तरह की मजबूरी थी, क्या धूमल का जितना राजनीतिक फायदा पार्टी को मिल सकता था क्या वो फायदा लिया गया, और धूमल को इतना नुकसान क्यों हुआ, पार्टी ने सीट बदलवाने का फैसला क्यों लिया, इन सवालों के जवाब लेंगे। कुछ खास मेहमानों के साथ चर्चा हम करेंगे बड़े बात में, और ये जानने की कोशिश हम करेंगे कि सीट बदलवाने के पीछे क्या कारण थे, क्या ये सीट बदले जाने का नुकसान था, या जो सीएम पद का जो चेहरा था वो जनता के बीच स्वीकार्य नहीं था। तो कुछ खास मेहमान हैं हमारे साथ, केवल ढींगरा हैं, कांग्रेस का पक्ष आप रखेंगे चर्चा में, कृष्ण ढुल हैं हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता आप हैं, और अनिल आर्य राजनीतिक विश्लेषक आप हैं, स्वागत है सभी का इस चर्चा में। ढोल साहब आपसे शुरुआत करेंगे चर्चा की, क्या कारण रहे कि धूमल साहब जो है इस चुनाव में हार गए। देखिए ज्योति, कल चुनाव परिणाम के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में चुनाव जीतती है, लेकिन एक कसक हर भाजपा के कार्यकर्ता के जी और एक टीस हर भाजपा के कार्यकर्ता के मन में है। उसमें दो हम लोगों ने महत्वपूर्ण व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहे थे वो चुनाव हारे, जिसमें प्रेम कुमार धूमल जी और हमारे सतपाल सत्ती जी जो कि भाजपा के हिमाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष थे। हाँ। वो भी चुनाव हार गए। अब निश्चित तौर पर कुछ न कुछ वहाँ के मतदाताओं ने कोई न कोई चीज़ की कमी रही, संगठन के नाम पर भी मैं आपसे कहूँ, रणनीति में भी कहीं न कहीं चूक रही, ये तो तय है कि हम लोग भाजपा जो है वो हिमाचल में तो चुनाव जीत गई, लेकिन अपने दो प्रमुख चेहरों को हम लोगों को वहाँ हार का मुंह देखना पड़ा। पर जनतांत्रिक है, देश प्रणाली है, लोकतंत्र है, उसमें जनतंत्र की जीत है, जनता ने जो हमें दिया उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं, साधुवाद करते हैं। जी, आपकी पार्टी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि रणनीति रही कि धूमल को आप सामने लेकर आए, जितना राजनीतिक फायदा चुनावी फायदा हो सकता है वो पार्टी ने लिया, लेकिन भीतर घात जो रहा उसके कारण वो हारे। नहीं, ऐसा नहीं है, निश्चित तौर पर अब चुनाव हारे हैं तो उस पर चिंतन भी होगा, मनन भी होगा और समीक्षा भी होगी, लेकिन अगर ऐसा रहता तो बीच मध्य के बीच में जैसे चुनाव की रणनीति शुरू में बनी तो पहले पार्टी के संगठन का ये सोचना था कि हम लोग पार्टी के तौर पर चुनाव में जाएंगे बिना किसी मुख्यमंत्री के चेहरे के, पर लोगों की आवाज़ के अनुसार, संगठन के कार्यकर्ताओं के अनुसार एक रणनीति में बदलाव किया, और उस रणनीति के मध्य में बीच में चुनाव के बीच में हम लोगों ने प्रेम कुमार जी को मुख्यमंत्री जी का कैंडिडेट डिक्लेयर भी किया और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा। उससे पहले भी वो पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ऐसा नहीं है कि वो पहली बार की इस प्रकार की कोई कवायद थी। और बीच में चुनाव के बीच में हम लोगों पर जब ये लगा कि ये नेतृत्व संभालेंगे और उनके नाम पर कुछ न कुछ परसेंटेज ऑफ वोट है, राजपूत समाज का है, कुछ और है, वो सारे आंकड़ों और समीकरणों के आधार पर हमने उनको कैंडिडेट दिया जो धूमल को मिले, क्या सिर्फ ये हार थी? कृष्ण ढुल जी ने अपने आपके सवाल में पूरा जवाब वैसे एक तरह से दे दिया। उन्होंने ये साफ साफ कह दिया कि हम पहले इनको चेहरा नहीं बना रहे थे, जब हमें लगा कि हम हार रहे हैं तो फिर इनको चेहरा बनाना पड़ा, तो ये इनकी बहुत बड़ी मजबूरी थी, और अभी ये मजबूरी अपनी दूसरी भी जता दी इन्होंने कि वो हार गए हैं, इनका चिंतन करेंगे, ये चिंतन करना ही नहीं चाहते थे, ये असल में चाहते ही नहीं थे कि धूमल मुख्यमंत्री अगला चेहरा बने, इसीलिए पहले इनको टिकट ना देने का, फिर इनकी सीट चेंज करने का, फिर इनको दूसरी जगह से लड़वा के इनको हरवाने का सारी चेष्टा इन लोगों ने की, इसी करके धूमल जी हारे। इनके कहने से नहीं हारे वो, एक्चुअली में मोदी जी का जो सिस्टम है या अमित शाह जी का जो सिस्टम है काम करने का हर स्टेट में, वो ये है। आप देखिए खट्टर साहब है, खट्टर साहब पहली बार एमएलए, पहली बार मुख्यमंत्री, वो कैसे आए? उसका रीजन ये है कि वो चाहते हैं कि ऐसे आदमी आए जिनको प्रदेश में कोई ना जानता हो ना पहचानता हो। हाँ। उसको हम कठपुतलियों की तरह नचाएं
तो उसी तरीके से जितने स्टेटों में इनके सीएम लग रहे हैं उनको कठपुतलियों की तरह नचाया जा रहा है। पहली बार जो विधायक बना होगा उसको सीएम बनाना चाहेगी पार्टी। देखिए ये ऐसे चेहरे को लाएंगे जो कठपुतली हो मोदी और अमित शाह की, और हिमाचल के काम के ऊपर कोई सरोकार नहीं होगा उसका, विकास के लिए कोई बात नहीं होगी, सिर्फ एक धर्म और उसकी राजनीति होगी। मंदिरों में वो जाएंगे, अभी से जो भी चेहरा बनाएंगे ये पहले सोच लेंगे कि वो मंदिर में कौन जाएगा, राम मंदिर की आवाज उठाएगा, जैसे कि दूसरी स्टेटों में ये काम कर रहे हैं उसी तरीके से ऐसा चेहरा चुनेंगे। मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, हमारा तो इन्होंने कहा कि कोई विकास का एजेंडा नहीं होता है, तो आपने तो इतना विकास किया, आपने तो इतना जोरदार तरीके से हिमाचल का विकास किया, आप बुरी तरीके से क्यों आ रहे, इस बात का जवाब जनता को दे दीजिए, बता दीजिए ना। ऐसा है, देखिए हम तो विकास करते नहीं है। देखिए ऐसा है, आप विकास करते हैं या नहीं करते हैं वो तो आने वाला टाइम जो चुनाव आएगा उस समय पता लगेगा ना, लेकिन मैं अभी तक आपको जो बाकी स्टेटों में जो आप कार्रवाई कर रहे हो, जिस तरह से आपने हरियाणा के अंदर, जिस आप उदाहरण दे रहा हूँ, जिस तरह से आप हरियाणा के अंदर ऐसा मुख्यमंत्री बनाया जो चार चार MLA जीते हुए बीजेपी के जो थे उनको दरकिनार करके एक ऐसे MLA को मुख्यमंत्री बनाया जो पहली बार जीता, पहली बार मुख्यमंत्री बना, कठपुतली MLA, ऐसे वो सीएम बने गए, सीएम बनाए जाने की कोशिशें जो कि कांग्रेस का आरोप। ज्योति मैं ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं, इनकी सरकार चली गई इसका मतलब प्रदेश की जनता ने इनको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं नहीं अब सुनिए मुझे नहीं 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 उसी प्रश्न ये बात का विषय और रिलेटेड कर रहा हूं, हमने अपनी हार स्वीकार कर ली। क्या धूमल को सिर्फ उम्मीदवार बनाया जाना था, क्या धूमल को सीएम नहीं बनाना था पार्टी ने? ज्योति जी मैंने ये कहा, इनकी एक बहुत पुरानी लीडर है, शायद पूरे इस चर्चा में छोड़ देते हैं हम लोग बार बार, और उस पर अभी मैं केवल जी से आपके माध्यम से प्रश्न पूछता हूँ कि विद्या स्टोक्स जी ठियोग से लगातार 5 या 6 बार चुनाव जीती, इस बार उन्होंने वीरभद्र जी के कहने पर चुनाव लड़ने से मना किया, और इन लोगों का जो गढ़ था वो कम्युनिस्ट ने जीत लिया, इनकी उन्होंने टिकट क्यों काट दी, क्यों उसने लड़ने से मना किया, क्योंकि वो मुख्यमंत्री की कैंडिडेट थी, मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लास्ट टाइम भी उनके साथ तो ये कांग्रेस ने उनके साथ वादा किया था, हमने तो टिकट काटी नहीं, का कैंडिडेट बनाएंगे। अरे साहब हमने कहां काटी, हवाला दिया गया, आप कहां पहुंच गए, वीरभद्र जी को हमने क्लियर कर दिया था, सुन तो जाइए, क्या धूमल साहब को सिर्फ उम्मीदवार बनाने की मंशा थी, कांग्रेस जानना चाहती है, जनता भी हिसाब करवाना चाहती है पार्टी की ओर से, क्या सिर्फ उम्मीदवार बनाया जाना था या सीएम बनाने की भी मंशा थी? देखिए पूर्व में हमारे प्रदेश के हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे हैं 2 बार, तो इसका मतलब यह है कि हमारे लिए वो कैंडिडेट मुख्यमंत्री के थे, बनाया जाना नहीं था, बनाया जाना तय था, और अभी भी रास्ता बंद नहीं हुआ है। ये किसने कह दिया कि उनको चुनाव अगर हार गए तो सीएम नहीं बनाएंगे, पैनल से कि उनको सीएम बनाया जा सकता है, निश्चित तौर पर क्यों नहीं, बीजेपी बनाना चाहेगी, मैंने कहा ये मेरा नहीं है, ये केंद्रीय संगठन का फैसला होगा, लेकिन किसी भी तौर पर आज इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रेम कुमार धूमल जी को हम लोग सीएम नहीं बनाएंगे या गलत जाएंगे। ये मैं एलानिया अभी आज ही आपको कह रहा हूं, कैसे डिसाइड करेंगे कि केवल जी आप आने वाला टाइम बता देगा, फिर आप अभी से क्यों बता रहा हूं आपको, ये आप भविष्य करता है क्या, आप भविष्य कहता है क्या, तो आपके पास चुनाव हार रही थी, आप चुनाव क्यों लड़ रहे थे, आपको ये पता था दोनों चुनाव में, दो प्रदेशों में चुनाव है, दोनों में आप बुरी तरह हारे, हमारी जीत जीत है, हमारी हार हार है, कैसी बात करते हो? ढोल साहब, ढोल साहब, क्या मजबूत दावेदारों को माना जाए, क्योंकि जयराम ठाकुर जब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंचते हैं तो इस बात की भनक जरूर मिलती है कि उनको सीएम बनाया जा सकता है, क्या अभी भी धूमल को मजबूत दावेदार माना जाए सीएम की कुर्सी का? देखिए ज्योति, राजनीति में कभी भी अपेक्षाएं और आशाएं खत्म नहीं होती है, संभावनाएं खत्म नहीं होती है। अब अगर ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात होगी के केवल जी ये बताएंगे कि किसको हम सीएम बनाने जा रहे हैं, हमारे यहाँ फिर भी एक ऑप्शन है, ये तो राहुल गांधी, आप बता तो रहे हो कि ऐसे लोगों को लाएंगे ढूंढ के, कैसे बात कर रहे हो आप, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, उदाहरण पेश कर रहा हूं, आप उदाहरण पेश करोगे भाजपा का, चलिए चर्चा में आगे बढ़ेंगे हम, हालांकि विपक्ष भी जानना चाहता है और जनता भी जानना चाहती है, हम भी जानने की कोशिशें यही कर रहे हैं। अनिलारी जी आपसे जानेंगे, क्या लगता है आपको, क्या मजबूत दावेदार अभी भी हैं धूमल हार के बाद?
ज्योति जी, संवैधानिक तो कोई दिक्कत नहीं है उनको मुख्यमंत्री बनाने में, कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है, उसको 6 महीने के अंदर चुनाव जीत के आना होता है। और उनके लिए जो है वीरेंद्र कंवर जी हैं जो कुटेल सीट से जीत कर आए हैं, उन्होंने प्रेस को भी कह दिया, उन्होंने बयान दे दिया कि मैं धूमल जी के लिए अपनी सीट खाली करने के लिए तैयार हूँ। तो कोई ऐसी संवैधानिक तो दिक्कत है नहीं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि प्रेम कुमार धूमल जी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इसमें जेपी नड्डा जी और जयराम जी ठाकुर जो है वो काफ़ी दौड़ में आगे हैं। जयराम जी तो 4 बार विधायक रहे हैं और संघ की पहली पसंद है वो, जबकि जेपी नड्डा जी जो है वो नरेंद्र मोदी जी के बहुत करीबी हैं और अमित शाह जी की पसंद हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इन दोनों नेताओं में से कोई एक नेता हिमाचल का मुख्यमंत्री बनेगा जी। चले, बीजेपी का पक्ष हिमाचल से भी हम जानेंगे। प्रवीण शर्मा है हमारे साथ, हिमाचल से बीजेपी उपाध्यक्ष फोन लाइन पर जुड़े हैं। शर्मा जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। अब धूमल हार गए हैं, हिमाचल की जनता और बाकी देश की जनता ये जानना चाहती है कि हिमाचल की जो सीएम की कुर्सी है उस पर तय करेंगे कौन हिमाचल का मुख्यमंत्री बनेगा। और जो भी मुख्यमंत्री विधायक बनेगा, जैसे उससे पहले जो बिल्कुल सवाल है और यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मसीह रही उससे बदल जान क्यों भेजा जाता है। बताइए कि सुजानपुर में धूमल जी को शिफ्ट किया गया और सुजानपुर को शायद ज्यादा समय नहीं पाए क्योंकि वो लगभग सारी सीटों पर वो काम कर रहे थे। और सुजानपुर कम समय नहीं माना लेकिन जहाँ जहाँ तक मैं बताना चाहना एक उम्र आ गई क्योंकि मोदी जी का जो मामला है वो किसी ऐसे नहीं बनाएंगे क्योंकि नहीं बनेगा। तो ये चाहते थे कि जो ऐसा बने इसीलिए चेहरा सही साइड का जा रहा है जिस तरह से अडवाणी साथ सारे किया जिस तरह से मनोहर जोशी के साथ किया जिस तरह से इन्होंने उन्होंने उनका सारा हमारी थे लेकिन ये धूमल जी को मुख्यमंत्री सिंह अमरिंदर सिंह ने चेहरे चेहरे में चुनाव लड़ा, वीर
हिंदुस्तान में 2010 में नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था कि मैं हिंदुस्तान में कांग्रेस मुक्त भारत बनाऊंगा और उस कांग्रेस भारत करने के लिए अब जो कफन में कील जो बची हुई है वो दो राज्यों में मिली जुली एक दो जगह सरकार चल रही है उसमें राहुल जी के नेतृत्व पर ये सेहरा सजेगा तो हमें भी और भाजपा के हर कार्यकर्ता को ये अच्छा लगेगा कि कम से कम इनके ऐसे युवराज जो जन्म लेते ही पार्टी के अध्यक्ष होंगे और कोई नहीं होगा और कम से कम सीनियरिटी की और इज्जत करने की बात तो इनके यहाँ कैसे पास सीतारमण आशा हुआ था ये मैं नहीं आप देश जानता अध्यक्ष दिया गया था ये दो साल का अंधकार बोल रहे हैं ये बातें कह रहे हैं बीजेपी
बीजेपी हार रही थी और वहाँ राजेंद्र राणा भी घोषित थे। तो पार्टी के जो अध्यक्ष अमित शाह जी हैं उन्होंने मिशन दिया था 60+ का, हमें टारगेट करना है। उसमें सुजानपुर को उन्होंने किया था कि सुजानपुर जब हम जीतेंगे तो हम 60 का जो टारगेट है वो अचीव कर पाएंगे। हाँ हाँ, इसलिए उसको लिया गया था। बहुत नहीं थे कुमार धूमल जी, यहाँ यहाँ राणा जी की यहाँ बहुत अच्छी स्थिति थी। वो यहाँ से 2012 में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ चुके थे, जीत चुके थे। 2014 में उन्होंने इस्तीफा देकर लोकसभा का चुनाव लड़ा था अनुराग ठाकुर के खिलाफ, और बाई इलेक्शन जब यहाँ पर हुआ तो पत्नी पत्नी मात्र 700 सारी सारी थे, जबकि सारी सही होने की बात है। पहले पहले विधायक थे और कंटिन्यू यहाँ पर वर्क करते रहते हैं, एक्टिव रहते रहते हैं। गुरु शिष्य के नाम से जाना जाता है, जैसे साहब प्रोफेसर रहे गुरु तो उनको बहुत सभी लोग कहते हैं, लेकिन इससे जो जो उनके राजेंद्र राणा जी थे ये बड़े बड़े जीत गए। शर्मा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी धूमल साहब को आपको ये पसंद नहीं थी और कि कहां लारे अभी पैनल सर्किट सभी पार्टी पार्टी के अंदर करवाया गया जिसमें इसको कमजोर पाया गया। क्या ये लिया गया मतलब पीएम उम्मीदवार को लेकर उसके टिकट को लेकर? देखिए पहले मैं कहा था कि हम हमें से धूमल जी लड़ रहे थे और हाई हाई कमांड के लिए उम्मीद थी वहां से जान को सुरक्षित कर दी गई। तो ये पार्टी का आंतरिक मामला है, जो पार्टी के हाई कमांड ने तय उसको माना और इस सारे विषय में ये जो मेरे मेरे कांग्रेस के सदस्य बैठे हुए हैं ये क्यों कौन सा अपना था वाला वाली श्रेणी में आ रहे हैं कि किन किन भारतीय जनता पार्टी का फिलहाल क्या क्या लगता है अगर तो आपके सामने फिलहाल? देखिए मैंने ये बताया कि जयराम ठाकुर जी हैं है। और मैं तो एक व्यक्तिगत तौर पर अगर मेरी राय मानेंगे तो मैं शांत कुमार प्रेम कुमार धूमल जी को ये नहीं मान रहा हूँ कि मतलब चुनाव हार गए हैं। इसका अभिप्राय ये नहीं है कि पार्टियों को दरकिनार करेगी या पार्टियों से किनारा कर लेगी। मुझे लगता है शांत कुमार जी, जयराम ठाकुर जी, उसके अलावा नड्डा जी, उसके अलावा संगठन मंत्री है अजय जायसवाल जी, बहुत सारे नामों पर चल रही पार्टी और इसके लिए केंद्र से नरेंद्र तोमर जी जो केंद्र में मंत्री है और निर्मला सीतारमन जी वो उनको पर्यवेक्षक के तौर पर लगा दी गई है। वो विधायक की राय शुमारी से मंशा करेंगे और उसके बाद एक अपनी रिपोर्ट जो है वो केंद्रीय समिति को सौंपेंगे और उसके बाद के बाद केंद्रीय समिति संगठन पे मोहर लगा देगी। तो इस रूप में अगर ये कह दूं कि मैं और ये मान लूं कि ये तथ्य सही होंगे, मुझे इस बात से बिल्कुल आपने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी का ऐसा चेहरा जिसको पब्लिक पसंद समझती है वो हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। तो निश्चित तौर पर ये कहने को यहाँ नहीं है कि वही व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा हिमाचल प्रदेश में, जिसको वहाँ की प्रदेश की जनता ने चुना है, जो वहाँ चेहरा है।
जो पसंद है उसे सीएम को चर्चा करेंगे एक ब्रेक के बाद।